A very good day to everyone. This is Ankita Arora from Study Made Easy, engaged in teaching CA final pre GST and CA inter GST. अब यहाँ पे लास्ट वीडियो CA इंटर के लिए ITC के क्वेश्चन डिस्कशन का. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस रिलेटेड टू इनपुट टैक्स क्रेडिट, वन ऑफ द वेरी 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 गुड चैप्टर फॉर सीए इंटर एज वेल एज सीए फाइनल, क्योंकि ये चैप्टर तभी आप सॉल्व कर सकते हो, आईटीसी के क्वेश्चंस तभी आप सॉल्व कर सकते हो जब आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आता हो, सप्लाई अच्छे से आता हो, टाइम ऑफ सप्लाई का नॉलेज हो, प्लेस ऑफ सप्लाई का नॉलेज हो, मतलब इसमें सारी चीजों का मिक्सचर आता है जनरली. सीए फाइनल में तो ऐसा होता ही है, सब कुछ मिक्स करके एक क्वेश्चन बनता है 14 to 16 मार्क्स का. व्हेन इट कम्स टू सीए इंटर, यहाँ इतने सारे चैप्टर्स मर्ज नहीं करेंगे, बट कुछ चैप्टर्स तो मर्ज हो सकते हैं. तो जहां जहां क्वेश्चन में जिन जिन चीजों का मर्जर होगा, आई एम हियर, आई विल बी टेलिंग यू दैट. चांसेस बिल्कुल होते हैं कि मर्जर होगा, बट बहुत ज्यादा मर्जर सीए फाइनल पे आते हैं. तो लेट अस स्टार्ट विद द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ, इम्पोर्टेंट का मतलब है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रही हूँ इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट मतलब जो अच्छे क्वेश्चन है, द क्वेश्चन दैट आई हैव नॉट डन इन दिस वीडियो, जो आपके टेस्ट नॉलेज में है, क्योंकि वो डायरेक्ट थ्योरिटिकल क्वेश्चन या सुपर इजी क्वेश्चन थे, इसलिए हमने उसे डिस्कशन में नहीं लिया. तो लेट अस स्टार्ट विद दी आईटीसी का टेस्ट योर नॉलेज का फर्स्ट क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन बोलता है स्वास्तिक प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चरर है टेक्सेबल गुड्स का, उसने मशीन परचेज की 8 लाख की जिसपे जीएसटी इतना पे किया है. कंपनी ने क्लेम किया है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्लेम किया है कंपनी ने ऑन द फुल वैल्यू ऑफ मशीन दैट इंक्लूड्स जीएसटी एंड अवेल्ड आईटीसी एंड ऑल्सो अवेल्ड आईटीसी पेड बाय इट. क्या ये सही है? कितना सिंपल सादा तो क्वेश्चन है. अब मैं पता है क्या करने वाली हूँ, क्वेश्चन सिंपल है बट मैं आपको थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ कॉन्सेप्ट का भी रिविजन करवा देती हूँ. वो कॉन्सेप्ट का रिविजन काम इसलिए आएगा कि आपको प्रोविजन रिवाइज हो जाएंगे, हम थोड़ा अच्छे से सिंपल क्वेश्चन को भी ढंग से एनालाइज करते हैं. यहाँ क्या बोला है भाई, ये जो स्वास्तिक है ये क्या करता है, टेक्सीबल गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करता है. इन्होंने मशीन खरीदी है जिसपे जीएसटी पे किया है और मशीन की फुल वैल्यू में जीएसटी इंक्लूड होता है, जिसमें उन्होंने डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर लिया. अब कुछ पॉइंटर्स वो पूछ रहे हैं, बताओ भाई ये सही है भी या नहीं. तो मैं एक चीज आपको बताती हूँ, व्हेन इट कम्स टू आईटीसी, जब हम आईटीसी की बात करते हैं तो पॉइंट नंबर वन फॉर द आईटीसी, ओनली अ रजिस्टर्ड पर्सन कैन अवेल आईटीसी. एक रजिस्टर्ड पर्सन ही आईटीसी ले सकता है. ओके. सेकेंड, जब रजिस्टर्ड पर्सन किसी भी तरह के गुड्स को परचेस करके आता है, परचेस करने पे द पर्सन पेस जीएसटी. गुड्स को खरीदा, गुड्स को खरीद के पर्सन क्या करेगा, जीएसटी पे करेगा. तो ये गुड्स कौन से हो सकते हैं मैम, ये गुड्स आपके स्टॉक इन ट्रेड भी हो सकते हैं, ये गुड्स आपके कैपिटल गुड्स भी हो सकते हैं, जैसे कि मशीनरी. तो अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन गुड्स खरीद के लाता है जिन पे वो जीएसटी पे करता है, तो ये जो जीएसटी उसने पे किया है, ये जीएसटी उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रिफ्लेक्ट हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट हो सकता है आईटीसी के फॉर्म में. क्या हो सकता है, क्रेडिट हो सकता है इनपुट टैक्स क्रेडिट के फॉर्म में. ठीक है मैम, क्यों बोल रहे हो सकता है, क्योंकि मैं एक चीज बताती हूँ, अगर आप जो मशीनरी लेके आए हो वो मशीनरी का इंटेंशन है कि आप उसे यूज करोगे टैक्सेबल पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए एक्सक्लूसिवली, तभी क्या होगा, उसका आईटीसी आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में चला जाता है. ये मैंने एक्स्ट्रा बताया, इस क्वेश्चन से इसका कोई लिंक नहीं है, बट मैं तुम्हें प्रोविजन रिवाइज कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ वर्ड मशीनरी मिल गया. तो मैं बता रही हूँ कि जब भी कोई कैपिटल गुड्स खरीद के आते हो तो आपको उसका आईटीसी अवेल करने को तभी मिलेगा, वो आईटीसी आपके क्रेडिट लेजर में तभी जाएगा जब वो मशीन टैक्सेबल एंड बिजनेस पर्पस के लिए यूज होगी, तभी आईटीसी आपके क्रेडिट लेजर में क्रेडिट होता है. अब ये जो टैक्स पे करके आए हैं, क्या इस आईटीसी को मैम हम अवेल कर सकते हैं? चलो
इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में तो चला गया, कैन आई अवेल दिस? तो बोलते अवेल तभी कर पाओगे जब इस कैपिटल गुड्स से आप क्या करते हो, इसका यूज करते हो आप टैक्सेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए। एग्जेम प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज करो, नहीं टैक्सेबल प्रोडक्ट मतलब वही हो गया ना, जब आप इसे टैक्सेबल नेचर के लिए यूज करोगे तब ITC मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो आप अगर इसे टैक्सेबल नेचर की गुड्स के लिए यूज करते हो, तो यहाँ यही तो लिखा है उन्होंने हिंट में कि ये जो मशीन है ये टैक्सेबल गुड्स के लिए ही यूज होती है। ये हो गई पहली चीज। अब मैं आपको इससे रिलेटेड और कुछ बता दूं। जब भी आप मशीन खरीद के लाते हैं, मशीन की कॉस्ट में आपका टैक्स भी इंक्लूड होता है। कॉस्ट ऑफ द मशीन इंक्लूड्स डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड टैक्स ऑल्सो। लेकिन ऐसा बोलते हैं कि ये टोटल कॉस्ट बना तो देगा, डन, बट बोलते हैं अगर ये टैक्स जो आप पे कर रहे हो इसका आपको ITC मिल जाता है, तो भाई एक चीज बताओ, इधर से तुम पे कर रहे हो किसी सप्लायर को, इधर से तुम वापस से क्या कर रहे हो, वो उस ITC को यूज कर रहे हो, मतलब यू आर टेकिंग द बेनिफिट ऑफ दिस ITC, तुम इस ITC का बेनिफिट क्लियर क्लियर ले पा रहे हो, तो फिर किस बात का तुमने टैक्स पे किया? तो व्हेन यू गेट द बेनिफिट ऑफ ITC, व्हेन यू गेट द रिवर्सल बेनिफिट ऑफ ITC, तो भाई ITC मिल रहा है, अगर इसका ही ITC रिफंडेबल है तो इसका मतलब तुम इसको कॉस्ट का पार्ट नहीं बना सकते, क्योंकि वो कॉस्ट है ही नहीं, मिल गया तुम्हें वापस, वो कैसी कॉस्ट हो गई? ये क्या हो गया, तुम्हें वापस मिल गया, ये कैसी कॉस्ट हो गई? तो ये तो कोई कॉस्ट ही नहीं। तो इसका मतलब मैम, अगर यहाँ पे ITC मिलता है अवेल करने को, तो ये कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। लेकिन मैम अगर सपोज करो इसका ITC ब्लॉक्ड है, सपोज करो ये एग्जेम सप्लाई में यूज होता है, अगर ITC ब्लॉक्ड है, ये एग्जेम सप्लाई में गुड्स यूज होते हैं, तो फिर इसका ITC नहीं मिलेगा। इसका मतलब आप इसे टोटल कॉस्ट में इंक्लूड कर सकते हो इस टैक्स के कंपोनेंट को। ये जो टैक्स का कंपोनेंट है, ये टैक्स का कंपोनेंट आपके टोटल कॉस्ट में ऐड हो जाता है। तो इसका मतलब ये, जब ये टोटल कॉस्ट में ऐड हो गया, तो डेप्रिसिएशन तो मैम हम टोटल कॉस्ट पे ही लेते हैं। तो बोलता है देखो समझो, अगर आप इस टैक्स के कंपोनेंट पे डेप्रिसिएशन लेते हो, मतलब आप इसको कॉस्ट का पार्ट बना रहे हो, तो आप इस पे ITC अवेल नहीं कर सकते। और अगर आप ITC अवेल करते हो, तो इसे कॉस्ट का कंपोनेंट नहीं बना सकते। और यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में ये क्या कर रहा है, इधर से तो उसने डेप्रिसिएशन भी अवेल कर लिया पूरी वैल्यू पे, और साथ में ITC भी अवेल कर रहा है। भाई साहब ऐसा नहीं हो सकता है। तो मैंने बहुत स्लोली आपको इसको समझाया कि दिस इज नॉट पॉसिबल, यू कैन नॉट अवेल बोथ द बेनिफिट सिमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली आप दोनों बेनिफिट को नहीं ले सकते हो। देन फिर आते हैं हम ये नए क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, ये सिग्मा कंसल्टेंट एक LLP फाइनेंस प्रोफेशन में फाइनेंशियल कंसल्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे क्या बोला है, ये जो LLP है ये फाइनेंशियल कंसल्टेशन सर्विस प्रोवाइड करता है, उसने एडवांस दिया, इट मेड एन एडवांस पार्ट पेमेंट ऑफ 1,18,000 दैट इंक्लूड्स IGST इन द मंथ ऑफ अक्टूबर टू आरजू कंप्यूटर सर्विस फॉर डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर। क्या बोल रहा है, ये तो कोई तो कंसल्टेशन फॉर्म है LLP जो फाइनेंशियल प्रोफेशन में है, फाइनेंस प्रोफेशन में है, ये अपनी फाइनेंस की कंसल्टेशन सर्विसेज देते हैं। उसने क्या किया, एडवांस दिया, इतने रुपए का एडवांस दिया, इस एडवांस में GST इंक्लूडेड है, किसको, किसी कंप्यूटर सर्विस वाले को दिया फॉर डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए मैंने एडवांस दिया, सिंपल सी बात। सॉफ्टवेयर वुड बी यूज बाय LLP, और ये जो सॉफ्टवेयर है LLP इसे यूज करेगी किस चीज के लिए, टू एनहांस द एडवाइजेस, वो मतलब अपने बिजनेस में इसको यूज करेगी। तो जो सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं, सॉफ्टवेयर का यूज कहाँ होने वाला है, बिजनेस के पर्पस के लिए ही होने वाला है। द बैलेंस पेमेंट इज टू बी मेड आफ्टर सक्सेसफुल टेस्ट रन ऑफ द सॉफ्टवेयर। जो अगर सॉफ्टवेयर अच्छा बन गया तो आपको बैलेंस पेमेंट कर देंगे, अगर आपका टेस्ट रन में ही सॉफ्टवेयर फेल हो गया तो बैलेंस पेमेंट नहीं होगा, सीधी सी बात वो है। सिग्मा कंसल्टेंट है अवेल्ड ITC 18,000 का, यहाँ पे जो ITC उन्होंने पे किया
उन्होंने उस आईटीसी को अवेल कर लिया अक्टूबर मंथ के लिए। क्या वो अवेल कर सकते हैं इस आईटीसी को? मैम प्रॉब्लम क्या है भाई? यहाँ पे ये जो सॉफ्टवेयर बन रहा है मैम, आपने कहा बिजनेस पर्पस के लिए यूज होना चाहिए। हाँ तो मैम बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रहा है, वो बात तो हम समझ गए, लेकिन अभी पक्का थोड़ी ना है कि बिजनेस पर्पस के लिए यूज होगा, क्योंकि अगर टेस्ट रन में फेल हो गए तो फिर हम ऐसे कैसे इसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज करेंगे। हाँ यार ये बात भी सही है कि अगर टेस्ट रन में आप फेल हो गए तो ऐसे कैसे आप इसको क्या करोगे, बिजनेस पर्पस के लिए यूज करोगे। तो मेरा प्रॉब्लम यही आ रहा है कि ये जो टेस्ट रन वाली चीज है, शुड आई से इट यूज और इंटेंडेड टू बी यूज फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन? क्या ऐसा कुछ मानू कि भले ही ये यूज ना कर पाए पर इनका इंटेंशन तो था कि सॉफ्टवेयर को ये बिजनेस प्रोफेशन के लिए ही क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो उनका पूरा पूरा कंसेंट्रेशन ये पूछने पे है कि आप बताओ भाई आईटीसी जो उन्होंने अवेल किया, ये आईटीसी अवेल उन्होंने सही करा या नहीं किया। अब मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है कि जो भी तुम गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स पे करते हो उसका आईटीसी तभी ले सकते हो अगर आप इसे क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। याद करो सेक्शन नंबर 16 कहता है, मैम आप तो पहुंचे थे कि यूज होगा भी या नहीं या बिजनेस के लिए, क्योंकि टेस्ट रन की बात है, ये तो उससे पहले ही कुछ और बोल रहे। क्या बोल रहे उससे पहले? ये बोल रहे मैम कि आप सेक्शन 16 पे फोकस करो। आईटीसी का सेक्शन 16 बोलता है गुड्स और सर्विस शुड बी रिसीव्ड, ये गुड्स एंड सर्विस होनी चाहिए आपको रिसीव। अब इस केस में मैम देखा जाए तो 18,000 का ये जो आईजीएसटी पे किया था अक्टूबर मंथ में वो एडवांस था फॉर द सर्विस, और सर्विस का एडवांस तो चलता है। हाँ और मैम जब ये सर्विस का एडवांस दिया, ये इंटेंशन यही था कि आप इसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज करोगे, सब कुछ तो सही चल रहा था, लेकिन एक शर्त थी। क्या थी? हाउएवर इट कैन नॉट अवेल आईटीसी इन दैट मंथ एज सर्विस इन रिलेशन टू विच एडवांस पेमेंट हैज बीन मेड नॉट रिसीव्ड इन दैट मंथ। क्या बोल रहे हो? जिस चीज के लिए एडवांस पेमेंट रिसीव हुआ था वो सर्विस उस मंथ में रिसीव ही नहीं हुई, क्योंकि क्या लिखा है, जब टेस्ट रन होगा तब हम आगे का पेमेंट करेंगे, तब चीजें देखेंगे, ठीक है, और ये होने वाला है दिसंबर में। तो यहाँ पे कंडीशन 16 की बोलता है गुड्स एंड सर्विस आपको रिसीव होने चाहिए, तो जिस मंथ में रिसीव होंगे उस मंथ में आईटीसी क्लेम करना, जिस मंथ पे रिसीव होंगे उस मंथ में आईटीसी क्लेम करना। तो अभी तो मैम ये आपको रिसीव ही नहीं हुआ, अगर रिसीव ही नहीं हुआ तो आप आईटीसी अवेल कैसे कर सकते हो, सेक्शन नंबर 16 आपका एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। इसकी एक चीज और बताती हूँ तुमको, वैसे कंफ्यूजन होगा टाइम ऑफ सप्लाई से, अभी इसको लिंक किया तो इसको छोड़ देते हैं, हम टाइम ऑफ सप्लाई से इसको लिंक नहीं करते, बट यहाँ पे ये आ रहा है भले ही मैम आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज करने जा रहे थे, इंटेंशन नहीं था, बट अभी वो चीज रिसीव ही नहीं हुई, तो रिसीव नहीं हुई तो यू कैन नॉट अवेल आईटीसी। क्वेश्चन अच्छा था। देन अगेन एक क्वेश्चन आता है कि टेक्निकल टेस्टिंग एजेंसी टेस्ट एंड सर्टिफाई ईच बैच ऑफ मशीन टूल्स बिफोर द डिस्पैच, डिस्पैच के पहले जो भी टूल्स वगैरह होते हैं हम उसको चेक करते हैं। सम ऑफ द टूल्स आर डिस्पैच टू योर यूनिट इन एसईजेड विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी एज दिस सप्लाई आर नॉट टैक्सेबल। कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे टूल्स हैं जो आप डिस्पैच कर देते हो एसईजेड को और यहाँ पे आपको टैक्स पेमेंट करने की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि इस पे टैक्स लगता ही नहीं है। तो टेक्निकल टेस्टिंग एजेंसी है, जब भी वो टूल्स वगैरह डिस्पैच करती है तो टेस्टिंग करती है। कुछ टूल्स जो डिस्पैच होते हैं एसईजेड यूनिट को उस पे जीएसटी पे नहीं किया जाता है, बिकॉज इट इज नॉट लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ जीएसटी। फाइनेंस प्रोफेशनल बीएमटी लिमिटेड वांट टू नो वेदर दे नीड टू कैरी आउट रिवर्सल ऑफ आईटीसी ऑन दिस टेस्ट एजेंसी सर्विस टू द एक्सटेंट ऑफ एसईजेड। हाँ मैम ये जो सर्विसेज हैं एसईजेड को क्या जा रहा है, डिस्पैच किए जा रहे हैं जो गुड्स, उसकी टेस्टिंग, जब एसईजेड को ये गुड्स जाते हैं उसकी टेस्टिंग मतलब सप्लाई ऑफ सर्विस, तो हम मैम ये पूछना चाह रहे हैं ये जो सप्लाई ऑफ सर्विस जो एसईजेड को जा रही है, यहाँ सप्लाई करते वक्त तो आप बोल रहे हो मैम टैक्स नहीं लगेगा, बट मैम ये सर्विसेज के लिए हमने भी कुछ चीजों को परचेस किया होगा, हमने भी जीएसटी पे किया होगा, इनपुट सर्विस हमने ली होगी और इस इनपुट सर्विस से हमने भी जीएसटी पे किया होगा, क्या उसके आईटीसी को भी हमको रिवर्स करना पड़ेगा?
डू आई नीड टू रिवर्स द आईटीसी? तो यहाँ पे बात आती है, क्या मैम मुझे आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत है? तो एक चीज समझो, सप्लाई टू एसईजेड, जब भी आप एसईजेड को सप्लाई करते हो वो होता है आपका जीरो रेटेड सप्लाई। ये मैं पहले भी समझा चुकी हूँ, वेन एवर यू डू सप्लाई टू एन एसईजेड यूनिट और डेवलपर, जब भी एसईजेड यूनिट डेवलपर को सप्लाई होता है दैट सप्लाई इज कंसिडर्ड टू बी जीरो रेटेड सप्लाई। और जीरो रेटेड सप्लाई को टैक्सेबल सप्लाई कहा जाता है, ये एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं होते। तो बीइंग टैक्सेबल नेचर का सप्लाई, जो जीएसटी आपने इनपुट सर्विस के टाइम पे किया था उसका आईटीसी आप अवेल कर सकते हो, इसके रिवर्सल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। वही चीज लिखा है, आईटीसी डिसअलाउ होता है सिर्फ तब जब सप्लाई टैक्सेबल नेचर का नहीं हो या फिर बिजनेस पर्पस के लिए नहीं हो। जीरो रेटेड सप्लाई जो है, जीरो रेटेड सप्लाई इंक्लूडेड है टैक्सेबल सप्लाई में, तो जीरो रेटेड सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई में आता है। तो इसके लिए जो भी आपने इनपुट सर्विस या इनपुट पे टैक्सेस पे किए होंगे इस सप्लाई को देने के लिए, जैसे मैं तुम्हें सप्लाई दे रही हूँ, तुम्हारे को सप्लाई देने के लिए मुझे वाईफाई लेना पड़ता है, उस पर मैं जीएसटी पे करती हूँ, तो एम आई एलिजिबल टू क्लेम आईटीसी? वैसे ही बोल रहा है, जीरो रेटेड सप्लाई कर रहे हो मतलब आप एक टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, उस सप्लाई को करने के लिए जो भी इनपुट या इनपुट सर्विस आपने खरीदी होंगी उस पे जीएसटी, उसका जो आईटीसी है उसको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। यू आर एलिजिबल टू क्लेम दैट आईटीसी। देन एक सेकेंड, हाँ थोड़ा सा ये फ्रेम से बाहर जा रहा है आई गेस, अब दिख रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 15, हर्ष गीत प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड सप्लायर। तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है, ओनली अ रजिस्टर्ड सप्लायर कैन अवेल आईटीसी। ये मैन्युफैक्चरिंग करता है टैक्सेबल गुड्स की, ये बात अच्छी है, टैक्सेबल गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगा तभी ना उसको क्या मिलेगा, आईटीसी। द कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द परचेस मेड और सर्विसेज अवेल्ड बाय इट। कुछ सर्विसेज उसने अवेल की, कुछ चीजें खरीदी, समझो ना मेरी बात, जब ये परचेस करता है सर्विस अवेल करता है तो ऑन द परचेस ओनली यू पे जीएसटी, और ये जीएसटी का ही तो आईटीसी आप अवेल कर सकते हो। अब इस आईटीसी को आपको मिलेगा या नहीं उसके लिए चेक करो कि ये आईटीसी कहीं ब्लॉक तो नहीं है, कहीं ये जो आईटीसी है ऐसे सप्लाई से रिलेट तो नहीं करता कि आप एग्जाम सप्लाई कर रहे हो तो उसके रिस्पेक्ट में जो आईटीसी होगा वो नहीं मिलता है। और इस चीज को समझने के लिए आईटीसी के दो वीडियो सी इंटर के लिए डाले हैं, रेगुलर क्लास वाले, 1.5 आवर, 1.5 आवर के टू वीडियो, 3 आवर्स में आपका पूरा आईटीसी चैप्टर विथ लॉजिकल फ्लो खत्म होता है। दूसरी चीज, वीडियो नंबर टू जो है आपका, वीडियो नंबर वन जो है आपका फॉर दी टैक्सेस, उसमें भी मैंने आपको इसके रिलेशन में फ्लो पूरा बताया कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते। तो जो क्वेश्चन वाले मेरे वीडियोस है ना वो देखना, मिस मत करना, वो आपके लिए बहुत काम के होने वाले। यहाँ पे बोलते हैं रॉ मटेरियल टू बी रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ सितंबर। हमें बोला है, देखो ध्यान से सीए इंटर वालों ध्यान से सुनो, हमें सबसे पहले देखना है कि किस मंथ में हमने चीजों को खरीदा, ठीक है? तो सर्विसेज अवेल की हमने जुलाई मंथ में, और मुझे ये देखना होगा कि आईटीसी भी वो किस मंथ का कैलकुलेट करने के लिए दे रहा है। तो अगर मैं देखूँ तो मुझे बोला है आईटीसी भी जुलाई मंथ का कैलकुलेट करने के लिए, ये देखो आईटीसी भी बोला है जुलाई मंथ का कैलकुलेट करके दो, मैं जुलाई तक की बातें करनी है ना पीछे ना आगे की। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, रॉ मटेरियल जो मुझे सितंबर में रिसीव होगा उस पर जीएसटी इतना लगता है, मेंबरशिप ऑफ क्लब फॉर एम्प्लॉई वर्किंग इन फैक्ट्री इट इज नॉट एन ऑब्लिगेशन बाय लॉ। आप अपने मेंबर्स को क्या देते हो, मेंबरशिप देते हो, और ये मेंबरशिप देना क्लब की ये कोई लॉ ऑब्लिगेशन नहीं देता, और जब लॉ का ऑब्लिगेशन नहीं है 17 सबसेक्शन 5 में इट इज अ ब्लॉक्ड आईटीसी, इसका आपको आईटीसी नहीं मिलता। मैम हमें जो इनपुट है ना वो लॉट वाइज रिसीव होंगे, और याद करो जब लॉट वाइज आपको इनपुट रिसीव होता है तो लास्ट लॉट जब आपको रिसीव होगा आपको आईटीसी भी तब अवेल होगा। तो मैम थर्ड लॉट वॉज रिसीव ड्यूरिंग द मंथ, हमें सिर्फ थर्ड लॉट क्या हुआ है ड्यूरिंग द मंथ रिसीव हुआ। मैम ट्रक यूज की थी फॉर रॉ मटेरियल, ट्रक यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल,
ट्रक का लॉजिक क्या है यहाँ पे? मोटर व्हीकल यूज की फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल, मैम इस पे जीएसटी मिलेगा क्या? देखते हैं। कैपिटल गुड्स आउट ऑफ थ्री आइटम, इनवॉइस ऑफ टू आइटम इज मिसिंग एंड जीएसटी पेड ऑन दोज आइटम इज 80,000। हमने कैपिटल गुड्स खरीदे लेकिन उसमें से दो इनवॉइसेस गायब है, और सेक्शन नंबर 16 बोलता है यू शुड हैव इनवॉइस फॉर क्लेमिंग आईटीसी। आपके पास इनवॉइस नहीं है तो उन चीजों का आईटीसी भी आप अवेल नहीं कर सकते, तो मुझे 80,000 हटाना पड़ेगा, उसका आईटीसी मुझे नहीं मिलेगा बिकॉज आई डोंट हैव एविडेंस वी प्रूफ। तो देखो मैम ये क्यों नहीं मिला, क्योंकि देखो जिस मंथ में रिसीव करोगे उस मंथ में आईटीसी मिलता है, तो इसका आईटीसी आपके पास नहीं है। ये लॉ की ऑब्लिगेशन नहीं है तो ये ब्लॉक्ड है मैम। ये तो लास्ट लॉट जब आप रिसीव करोगे तब आईटीसी मिलता है, तो लो ना ये आईटीसी मिलना ही नहीं है मैम। मोटर व्हीकल ट्रक यूज, आपको याद करना होगा कि जब मोटर व्हीकल वाला पार्ट मैंने पढ़ाया था उसमें लिखा था कि अगर फैक्ट्री में कोई मोटर व्हीकल ट्रक वगैरह यूज होता है फैक्ट्री के यूज के लिए तो वो मोटर व्हीकल में काउंट नहीं होता, तो उसके रिस्पेक्ट में जो आईटीसी वो आप अवेल कर सकते हो। और मैम कैपिटल गुड्स जिसमें से दो ऐसे इनवॉइसेस थे जो गायब थे, हटा दो उसको 1,50,000 में से माइनस कर दो, बाकी के बचे पे आईटीसी आपको मिल जाएगा। डन, बाकी का बचे पे क्या मिल जाएगा? यू विल गेट द आईटीसी। सिंपल, खत्म। क्वेश्चन 16, जमकू लिमिटेड रजिस्टर्ड पर्सन इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ स्पाइसेस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर, उन्होंने कुछ चीजों को परचेस किया है, हमें डिटरमाइन करके बताओ कि अक्टूबर मंथ का आईटीसी कितना होगा। ये नोटिस करना मत भूलना कि किस मंथ का आईटीसी आपको कैलकुलेट करना है। हम इसने परचेस किया कुछ रॉ स्पाइसेस पर्सनल यूज के लिए, मैम कस्टमर के लिए जो खरीद रहा है उसका आईटीसी मिलेगा, खुद के पर्सनल यूज के लिए आईटीसी नहीं मिलता। याद करो आईटीसी तभी मिलेगा व्हेन द गुड्स आर यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस और दे आर फॉर टैक्सेबल सप्लाई, तो टैक्सेबल सप्लाई एंड बिजनेस पर्पस दोनों होना चाहिए, तो मैम यहाँ तो भाई नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रिक मशीनरी परचेस यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस, ठीक है मशीन जो खरीदी मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए उसका आईटीसी इसको दे देंगे मैम। फिर से मोटर व्हीकल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉई, जब तक ऑब्लिगेटरी नहीं है मैम, मोटर व्हीकल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉई, मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉई मैम डाउट आ रहा है इस पे, इसको रुको रुको मैम, हमें ना कुछ तो दिमाग में चीजें चल रही है उसको हमको देखना है। पेमेंट मेड टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ क्वार्टर, हमने कॉन्ट्रैक्टर को दिया स्टाफ क्वार्टर बनाने के लिए। मैम अगर हम खुद बिल्डर नहीं है या फिर हमारा बिजनेस कंस्ट्रक्शन का नहीं है तो ये जो हम क्वार्टर या बिल्डिंग बनवा रहे, भले बिजनेस पर्पस के लिए भी बनवा रहे हो, 17 सबसेक्शन 5 में पढ़ा था इसका क्रेडिट ब्लॉक है, तो सच है बिल्कुल। तो मैम 50,000 तो मिल जाएगा, पर्सनल यूज वाला नहीं मिलेगा, मशीन वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैम ये मोटर व्हीकल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन आपने भी कुछ बताया नहीं, और ये क्या मैम? क्योंकि आपका सर्विस कंस्ट्रक्शन मैं आप रिलेटेड नहीं, मतलब आपका काम आपका बिजनेस कंस्ट्रक्शन वाला नहीं है, तो अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो इवन अपने बिजनेस पर्पस के लिए उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। मैम डिस्कशन तो पूरा हो गया पर ये मोटर व्हीकल का क्या बोलना चाहते हो? मोटर व्हीकल, अगर मोटर व्हीकल पैसेंजर कैपेसिटी 13 और लेस है, मोटर व्हीकल विद द पैसेंजर कैपेसिटी लेस देन 13 और इक्वल टू 13, उसका आईटीसी होता है ब्लॉक, ठीक है। तो आईटीसी ऑन मोटर व्हीकल, आईटीसी ऑन मोटर व्हीकल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर विद सिटिंग कैपेसिटी 13 और इक्वल टू 13 इज ब्लॉक, डन। लेकिन लेकिन अगर यही मोटर व्हीकल फिट पर्पस के लिए यूज है, मैम फिट पर्पस मतलब फर्दर सप्लाई इम्पार्टिंग द ट्रेनिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, तो मैम अगर ये फर्दर सप्लाई के लिए है या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए है या ट्रेनिंग देने के लिए, तो इसका आईटीसी ब्लॉक नहीं होता, देन द आईटीसी इज नॉट ब्लॉक। तब क्या नहीं होता? इसका आईटीसी ब्लॉक नहीं होता। अब मैम इस केस में ये लोग तो एम्प्लॉय की ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज कर रहे हैं, तो क्या मैम एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर कंसिडर कर लिया जाएगा? नहीं,
इन द गिवन केस सिंस द सप्लायर इन द बिजनेस ऑफ स्पाइसेस, इसका काम है स्पाइसेस का, इसका काम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का नहीं है, तो भले ही वो स्पाइसेस वाला अपने एम्प्लॉय को लाने जाने के लिए उस मोटर व्हीकल को यूज करता है, तो ये मत समझना कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए यूज हो रहा है। उसका काम मेन ऑब्जेक्टिव अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर होता तब इसका आईटीसी ब्लॉक नहीं होता, अभी तो इसका आईटीसी रहेगा ब्लॉक। अंडरस्टूड? तो बस अब आपको करना है टोटल, और टोटल करने के बाद यू विल गेट कि कितना आईटीसी एलिजिबल है। क्या चीजें समझ में आ रही है? इतना ही सिंपल है। 17 में क्या है? फिर से दीना लिमिटेड रजिस्टर्ड है महाराष्ट्र में, मार्च मंथ के लिए ये हमसे पूछना चाहते हैं कितना आईटीसी मिलेगा। तो भाई इन्होंने परचेस किया आयरन जो रॉ मटेरियल में यूज होगा, दो लॉट में रिसीव होंगे, सेकेंड लॉट अप्रैल में रिसीव होगा, तो मैम हम तो जानते हैं जब लास्ट लॉट मिलेगा तब उसको क्या मिलेगा आईटीसी, इसका मतलब अभी लास्ट लॉट रिसीव नहीं हुआ वो अप्रैल में रिसीव होगा, तो मैम ये लोग अप्रैल में ही क्या कर सकते हैं, अप्रैल में ही आईटीसी अवेल कर सकते हैं। देन परचेस की मैम कुछ एसेसरी विच वर डिलीवर्ड डायरेक्टली टू द डीलर ऑफ द कंपनी ऑन डायरेक्शन ऑफ दीना लिमिटेड, कोई बात नहीं, ओनली इनवॉइस वॉज रिसीव बाय दीना लिमिटेड। बोल रहे हैं मैम हमने परचेस की एसेसरी और ये जो एसेसरी डायरेक्टली डिलीवर हो गई टू द डीलर्स ऑफ कंपनी, हम जो एसेसरीज खरीद रहे हैं वो कंपनी के डीलर को डायरेक्टली अवेलेबल करवा दी हमने ही, हमारे ही बोलने पे कहीं और बिल टू शिप टू हो गया, लेकिन हाँ इनवॉइस हमने ही रिसीव किया, तो बिल टू शिप टू के केस में कोई बात नहीं, मान लिया जाएगा कि तुमको ही रिसीव हुआ है तो आईटीसी मिलेगा, ये नया पॉइंट है। बिल टू शिप टू समझते हो, बायर के कहने पे कहीं और शिपमेंट कराना, लेकिन बिल बायर के नाम पे ही होता है, ये प्लेस ऑफ सप्लाई में पड़ा तुमने मेरे से। मैम हमने बस परचेस की, कैपेसिटी 15 है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉई, मैम हम बस बस परचेस कर रहे हैं, कैपेसिटी 15 है, अभी आपने बताया था कि उसका खुद का बिजनेस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का होना चाहिए, तो मैम उसके हिसाब से तो वहां पे ब्लॉक्ड था, पर ब्लॉक था जब 13 की कैपेसिटी थी, यहाँ कैपेसिटी ही 13 वाली नहीं है, तो बिल्कुल इससे आईटीसी मिलेगा, मेरी बात समझो, 13 या लेस देन 13 की कैपेसिटी है, 13 या लेस देन 13 की कैपेसिटी तो ब्लॉक है, और वो ब्लॉक खुलता है अगर फिट पर्पस हो, और अगर कैपेसिटी ही 13 से अबाव है तो ब्लॉक ही नहीं है आईटीसी, फिर आपको फिट पर्पस देखने की जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ फिट पर्पस देखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर जनरल इंश्योरेंस ऑन कार जिसकी कैपेसिटी 5 है यूज बाय एग्जीक्यूटिव फॉर ऑफिशियल पर्पस, मैम क्या कार की कैपेसिटी 5, इट इज बीइंग यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस, ठीक है मैम कार की कैपेसिटी कितनी 5 है एंड बीइंग यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस, आप दोगे क्या? नहीं दोगे, क्योंकि कार जो है कार का आईटीसी ब्लॉक्ड है, तो उसके ऊपर कोई सर्विसेज लेते हो तो उसका आईटीसी भी क्या होगा, ब्लॉक्ड होगा, ये हम पढ़ चुके हैं कि अगर जो आपकी मोटर व्हीकल है उसके ऊपर आईटीसी ब्लॉक्ड है तो उसके मोटर व्हीकल के रिगार्ड में आप जो भी सर्विसेज लेते हो तो उन सर्विस के ऊपर का आईटीसी भी ब्लॉक होता है, और अगर वो मोटर व्हीकल का आईटीसी अलाउड है तो उन सर्विस और इनपुट के ऊपर का आईटीसी भी आपको अलाउड है। दिस कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर 17 डन। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18, जो मोर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18 इट्स मोर लाइक अ थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल इन द सेंस अब उस सॉल्यूशन वाला पार्ट नहीं है, बोलते हैं ये बताओ कि आईटीसी अवेलेबल होगा या नहीं होगा। मैं डायरेक्टली रिक्वायरमेंट पहले पढ़ती हूँ हर बार क्वेश्चन में कि आप हमें बताओ कि आईटीसी अवेलेबल होगा या नहीं इस कंपनी को, किस चीज के लिए, फॉर द सर्विसेज इंजीनियरिंग सर्विस जो इसने रिसीव की है हाईफाई इंफोटेक लिमिटेड से, तो ये कंफर्टेबल कंपनी करके कोई है, ये कंफर्टेबल कंपनी ने क्या किया है, ये कंफर्टेबल कंपनी रिसीव कर रही, क्या रिसीव कर रही है, कंफर्टेबल कंपनी रिसीव कर रही है कोई सर्विसेज किससे, हाई फाई इंफोटेक से इंजीनियरिंग की सर्विसेज ये लोग क्या करते हैं रिसीव करते हैं, तो बोले बस बता दो इस इंजीनियरिंग सर्विस पे हमको आईटीसी मिलेगा या नहीं, तो ये नहीं हमारी कंफर्टेबल लिमिटेड रजिस्टर्ड कंपनी है, उड़ीसा में है, वो कौन सा बिजनेस कर रही है, आयरन स्टील प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रही है, उसने आईटी सर्विस रिसीव की है हाईटेक से,
11 लाख एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, 11 लाख रुपीज की सर्विस ली और इसमें जीएसटी बिल्कुल नहीं, ऑन 28 अक्टूबर इस दिन उन्होंने भैया सर्विसेज दी। इनवॉइस फॉर सर्विस, इनवॉइस फॉर सर्विस रेंडर्ड वॉज इशूड ऑन 5 नवंबर। इस चीज का जो इनवॉइस है वो इशू हुआ 5 नवंबर। तो सर्विस 11 लाख की, इनवॉइस इशू हुआ 5 नवंबर को। कंफर्टेबल लिमिटेड मेड पार्ट पेमेंट 30 नवंबर को हुआ। अब इनको भैया सर्विसेज बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है और इन्होंने बैलेंस पेमेंट किया ही नहीं। डेफिशिएंसी सर्विस रेंडर्ड वाज मेड गुड बाय हाईटेक बाय 15th अप्रैल ऑफ नेक्स्ट ईयर एंड कंफर्टेबल लिमिटेड मेड बैलेंस पेमेंट ऑन 6 जुलाई। हो क्या रहा है, क्वेश्चन अच्छा है। इनको सर्विसेज पसंद नहीं आई, इनको सर्विस पसंद नहीं आई, इन्होंने बैलेंस पेमेंट किया नहीं। फिर हाईटेक वालों को भी समझ में आया, हाँ यार हमने गलती की, ढंग की सर्विस नहीं दी, इन्होंने भी सारी चीजें ठीक की। फिर इन्होंने जाके कंफर्टेबल वालों ने 6 जुलाई को जाके पेमेंट कर दिया। प्रॉब्लम ये है, हमें समझ नहीं आ रहा आईटीसी दे या नहीं दे। पेमेंट भी हुआ, सेटिस्फाई भी हुए, सर्विस भी रिसीव की, लेकिन सर्विस रिसीव की नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर। तो आईटीसी अवेलेबल होगा या नहीं होगा, बस ये चीज मैम समझ ही नहीं आ रही है। तो भाई मुझे ऐसा लगता है आईटीसी तो अवेलेबल होगा, उसका कोई इशू होना नहीं चाहिए, बट वो कब होगा, इस ईयर में या नेक्स्ट ईयर में, हम वो समझते हैं। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, हरेक रजिस्टर्ड पर्सन को क्या मिलता है, हरेक रजिस्टर्ड पर्सन को, चलो सॉरी पॉज करना पड़ा था। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है कि हमने सर्विस ली और सर्विस भी कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी ले रहे। पहले हम सर्विस से खुश नहीं थे, सामने वाले ने चीजें सही की, अब हम खुश हो गए, हमने पेमेंट कर दिया। वो पूछ रहे बस ये बता दो आईटीसी मिलेगा नहीं। देखो डाउट आईटीसी में नहीं है, बट आईटीसी भी आपको प्रपोर्शनेट मिलेगा ऑन द बेसिस व्हेन यू हैव रिसीव द सर्विस। कैसे, देखो हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को क्या बोला है, हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को क्रेडिट मिलेगा ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस दैट इज यूज और इंटेंडेड टू बी यूज फॉर बिजनेस। जो आप बिजनेस के लिए यूज करें उसका तो आईटीसी आपको मिलके रहेगा, बस शर्त इतनी है कि आपके पास इनवॉइस होना चाहिए। प्रूफ तो करो टैक्स पे किया है, तो यू शुड हैव द टैक्स इनवॉइस। रजिस्टर्ड पर्सन मस्ट पे टू सप्लायर, साथ ही साथ रजिस्टर्ड पर्सन को पेमेंट करना पड़ेगा भाई सप्लायर को। अगर पेमेंट नहीं किया तो जीएसटी अवेल नहीं कर सकते, और पेमेंट करना है 180 डेज के अंदर, 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। ये भी पढ़ा है तुमने मेरे साथ कि इनवॉइस इशू करने से 180 डेज के अंदर आपको क्या करना होता है, पेमेंट कर देना पड़ता है। लेकिन अगर क्या हुआ, आप पेमेंट नहीं करते 180 डेज में, तो आपको रिवर्स भी करना पड़ सकता है विद इंटरेस्ट, जो आईटीसी आप ऑलरेडी अवेल कर चुके। लेकिन सपोज करो मैम 180 डेज के बाद ये पेमेंट कर दे, तो 180 डेज के बाद पेमेंट करेगा तो फिर इसको आईटीसी मिल जाएगा, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। इस गिवन केस में क्या हुआ है, जब ये हाईफाई इंफोटेक को जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है अक्टूबर में एंड कंफर्टेबल लिमिटेड को इनवॉइस रिसीव होता है नवंबर में, तो पेमेंट हो रहा है, सर्विस दी जा रही है अक्टूबर में, इनवॉइस इशू होता है कब, नवंबर में। तो यहाँ बोलते हैं इन द व्यू ऑफ अबाउट प्रोविजन एंड अज्यूमिंग ऑल द कंडीशंस फॉर अवेलिंग आईटीसी हैव बीन फुलफिल्ड, इन्हें आईटीसी इतने का मिल जाएगा। मैम इनवॉइस कितने का इशू हुआ, इनवॉइस 11 लाख का इशू हुआ नवंबर मंथ में। नवंबर मंथ में क्या हुआ है, इनवॉइस जो इशू है वो कितने लाख का हुआ है, 11 लाख का इशू हुआ है इनवॉइस, ठीक है। एक्सक्लूडिंग जीएसटी, जिसमें जीएसटी नहीं है, तो जीएसटी कितना, 18%। तो 11 लाख का 18% जीएसटी इनको मिल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। तो 11 लाख का क्या हो जाएगा, 18% इनको जीएसटी मिल जाएगा। स्क्रीन पे फिट क्यों नहीं हो रहा, चलो देन आगे बोलते। लेकिन अब क्या मैम, अभी भी कुछ अमाउंट ऐसा बचा है जिसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, वो आपको रिवर्स करना पड़ जाएगा फॉर द मंथ ऑफ मे। अभी भी कुछ ऐसा है जिसका आईटीसी आपको नहीं मिला, वो आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ जाएगा। वो कितना रुपया है, वो है आपका बैलेंस अमाउंट 4,20,000। इसका अभी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा,
क्योंकि इसकी सर्विस आपने जो रिसीव की है वो सर्विस रिसीव की है बाद में, और इसका जो पेमेंट है वो पेमेंट भी किया है बाद में। देखो क्या लिखा है, हाउएवर प्रोपोर्शनेट आईटीसी इतना ऑन दिस 4,20,000 हैज टू बी रिवर्स अलोंग विथ इंटरेस्ट फॉर द मंथ ऑफ मे एज फुल पेमेंट वॉज नॉट मेड विद इन 180 डेज। क्योंकि इस चीज का जो पेमेंट है 180 डेज के अंदर नहीं हुआ, तो इतना अमाउंट जो है ना 4,20,000, इस 4,20,000 पे जितना भी आईटीसी आता भाई उसको रिवर्स कर दो, करना ही पड़ेगा। देन इसके बाद बोलते हैं आईटीसी, ये जो आईटीसी वो मिल जाएगा जो आप रिवर्स कर रहे हो, तब जब आप जैसे ही पेमेंट कर दोगे ना, तो नेक्स्ट ईयर में उसने जुलाई नेक्स्ट ईयर में पेमेंट कर दिया, तो उसको तब क्या मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा। वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अब आते हैं हम नेक्स्ट किसके ऊपर, 19th क्वेश्चन के ऊपर, इजी है। फिर से बोल रहा है भाई आईटीसी की अवेलेबिलिटी बता दो दीवान एंड सन एंड करीम एंड ब्रोस के लिए। बोलते हैं ये जो दीवान एंड सन्स हैं न्यू दिल्ली के, इन्होंने एक ऑर्डर प्लेस किया 250 kg ऑफ प्लास्टिक का। भाई दीवान एंड सन्स ने क्या किया है, ऑर्डर प्लेस किया है 250 kg प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स जिनका इतना रेट है और इसमें जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है। ऑन मैसर्स करीम ऑफ नोएडा, तो ये बोलते हैं कि इन्होंने ऑर्डर प्लेस किया है, ये खरीद रहे, दीवान क्या कर रहा है ऑर्डर परचेस कर रहा है, करीम बेच रहा है। तो इन्होंने क्या किया, प्लेस किया है ऑर्डर इतने रुपए का करीम के ऊपर, एंड करीम ने डिलीवर करने के लिए एग्री किया कि भाई तुम्हारे वेयर हाउस में हम पहुंचा देंगे न्यू दिल्ली, चिंता मत करो हम तुम्हारे गुड्स पहुंचा देंगे। व्हाइल द ऑर्डर वाज गेटिंग पैक्ड एट फैक्ट्री, जब ये ऑर्डर फैक्ट्री में पैक हो रहा था तो दीवान को एक और ऑर्डर आया, और वो ऑर्डर कहाँ का आया, यूपी का, और इतने ही 250 ग्रैन्यूल्स का ही ऑर्डर आया 60 रुपीज का। अब भाई दीवान खरीद रहा है 250 ग्रैन्यूल्स, केजी के ग्रैन्यूल्स, अब ये खरीद रहा है करीम से, ठीक है। अब करीम से जब वो खरीद रहा था, दीवान के पास एक ऑर्डर आया कि यूपी में किसी को ये गुड्स खरीदने, तो भाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तुम भी बचाते मैं भी बचाती, तो इसकी जगह होती दीवान की जगह। इसने फोन उठाया, नंबर घुमाया, करीम को बोला यार डायरेक्टली एक काम करो ये ग्रेन्यूल्स पहुंचा दो तुम कहाँ पे, हापुर में। मैम बिल्टू शिपटू की बात कर रहे हो आप? हाँ मैं बिल्टू शिपटू की बात कर रही हूँ, क्योंकि बिलिंग तो किसके नाम पे होगी, बिलिंग तो अभी भी दीवान के नाम पे ही रहेगी, लेकिन शिपिंग हुई है हापुर, किसके नाम पे हुई है शिपिंग, शुभ शुभ कामना के नाम पे। तो बिल किसी के नाम का, शिपिंग किसी के नाम पे, कि बायर ने फोन करके बोला यहाँ पहुंचा दो, गुड्स उसके लिए डिलीवर हो गए, तो आईटीसी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, कोई डाउट नहीं है। बट मैम कितने पे, उसने खरीदा 50 रुपीज के हिसाब से, 250 के ग्रेन्यूल्स है ना, 250 ग्रेन्यूल्स थे ना, यस 250 ग्रेन्यूल्स खरीदे थे केजी के, इसके ऊपर कितना परसेंटेज है, 18% का जीएसटी, इतने का आईटीसी इस बंदे को मिल जाएगा। बट बिल टू शिप टू लिखना मत भूलना कि बिल टू शिप टू का केस है। अंडरस्टूड? यस मैम अंडरस्टूड, आया समझ में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, कोई डिफिकल्टी नहीं है। बोल रहे बताओ मिनिमम जीएसटी कितना कैश में पे करना पड़ेगा, मिनिमम जीएसटी आप कितना कैश में पे करेंगे ये बताना है। मैम ऐसा क्वेश्चन हमने अभी तक तो एक भी नहीं देखा, मिनिमम जीएसटी कितना कैश में पे करना है अभी तक नहीं देखा, तो अब देखो। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से समझो। जब आप सेल करते हो जीएसटी लाइबिलिटी आती है, जब आप सेल्स करते हो आती है जीएसटी की लाइबिलिटी। इस जीएसटी लाइबिलिटी को पे करने के लिए आप अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट यूटिलाइज करते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट यूटिलाइज करने के बाद आपका पेबल आता है कि अभी भी आपको कितना पे करना है, और ये पेबल आप कैश लेजर के थ्रू ही पे करते हो। वो यही तो पूछ रहा है कि कैश लेजर में उसको कितना पेमेंट करना है, हाउ मच अमाउंट ही हैज टू पे थ्रू द कैश लेजर, यही बात तो बेचारे ने पूछ के रखी है। अब मैम यहाँ पे कैश लेजर में क्या क्या पे होता है, एक तो मैं आपको सिर्फ जनरल नॉलेज एक्स्ट्रा बता रही हूँ। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आप कुछ भी अगर क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी जो अमाउंट बचता है आप कैश से पे करते हैं। लेकिन जब भी बात आती है
रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की, कि आपने कोई परचेस किया है एंड यू आर एलिजिबल टू पे द टैक्स एज अ रिसिपिएंट, वो हमेशा कैश में पे होता है। तो ये दो चीजें आती है कैश से, ये दो चीजें कहाँ से आती है, कैश से। बस वो यही पूछा, बता दो कैश लेजर से मुझे कितना पेमेंट करना है। इस क्वेश्चन का ये कि मिनिमम कैश में मैं कितना पे करूँ। हमने देखा इस बंदे ने परितोष कंपनी में जो रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड है, अगर ये सपोज करो रेगुलर की जगह कंपोजिशन कर दिया, तो तुमको कंपोजिशन के हिसाब से टैक्स पेमेंट चेक करना होगा। कंपोजिशन दे दिया ना रेगुलर की जगह, तो चेक द टैक्स पेमेंट एज पर कंपोजिशन। जो चांसेस थोड़े सीएफ इंटर लेवल पे कम होते हैं, बट फाइनल पे आते हैं ऐसे क्वेश्चन। परितोष है वो रेगुलर स्कीम वाला है, इंट्रा स्टेट सप्लाई गुड्स का किया, इंटर स्टेट सप्लाई गुड्स का किया, जिसका अमाउंट इतना है। मैम अमाउंट दिया है, अब तक तुम्हें डायरेक्टली जीएसटी देते थे, यहाँ डायरेक्टली अमाउंट दिया है। तो मैम इंट्रा स्टेट पे कितना सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा पता नहीं, इंटर स्टेट पे कितना एलजीएसटी लगेगा पता नहीं। तो नीचे देखो ना, ये दिया है इंटर और इंट्रा का रेट ऑफ टैक्स दिया है, तो यहां से तुम मल्टीप्लाई बाय 99% करो, यहाँ पे 18% करो, तुम्हें पता चलेगा इसका आईटीसी कितना। ये तो हो गया सप्लाई ऑफ गुड्स। देन इसके बाद आता है इन्होंने इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेस मेड बाय इट इन दैट टैक्स पीरियड, इट हैज ऑल्सो फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, इट हैज बॉट ऑल्सो फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, इट हैज फर्निश्ड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कुछ और इंफॉर्मेशन दी आपके परचेसेस के लिए कि इन्होंने कुछ परचेसेस किए हैं। इन्होंने इंट्रा स्टेट परचेस किया, इंटर स्टेट परचेस किया, अमाउंट दिया है, फिर से तुम क्या कैलकुलेट कर लोगे, फिर से तुम कैलकुलेट कर लोगे आईटीसी, यहाँ 99% या 18%। मैम एक गलती हो गई, क्या गलती हो गई, यहाँ पे भी आपने आईटीसी बोल दिया जबकि यहाँ पे सप्लाई लिखा है, तो सॉरी यहाँ पे आएगा कितना लाइबिलिटी आ रही है वो इससे कैलकुलेट होगी, क्योंकि ये सप्लाई की डिटेल है। यहाँ से लाइबिलिटी निकलेगी, यहाँ से आपका आईटीसी निकलेगा। लेकिन मैम पता है क्या क्या, हमारे पास पिछली बार का कुछ ओपनिंग बैलेंस भी पड़ा है, मतलब ये आईटीसी पड़ा है, हम इस आईटीसी को यूज नहीं कर पाए थे पिछली बार। तो कहने का मतलब ये है मैम कि ये जो आईटीसी है पिछले मंथ का, सपोज करो कुछ कुछ आईटीसी जो हम यूज नहीं कर पाए उसका बैलेंस है। इस मंथ में जो हमने परचेस किया, इस मंथ में हमने जो परचेस किया उसका आईटीसी भी और ऐड हुआ। कैसे हुआ देखो इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ये तुम्हारा इस मंथ का एड ऑन हो गया आईटीसी का, ये ऑलरेडी अवेलेबल है आईटीसी तुम्हारे पास, ये क्या है ऑलरेडी आईटीसी अवेलेबल है, वो भी तुम्हारे पास क्या है, और ये नहीं तुम्हारी लाइबिलिटी, अब तुम निकाल सकते हो। कैसे मैम, जब हम आउटवर्ड सप्लाई करते तो लाइबिलिटी आती है, तो हमने इंट्रा स्टेट पे तो 99% से लाइबिलिटी निकाली, टोटल इतनी है, और इंटर स्टेट की लाइबिलिटी डायरेक्ट 18% पे इतनी है, तो टोटल पेमेंट की लाइबिलिटी इतनी है। हमारे पास ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी है, नया परचेस जो किया, नए परचेस का जो आईटीसी जुड़ रहा है रिस्पेक्टिव हेड में, मतलब टोटल आईटीसी अभी हमारे पास इतना है। बस क्वेश्चन खत्म मैम, नहीं इतना अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे जब आप आईटीसी यूटिलाइज करोगे, अब आता है तुम्हारा पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर। पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर बोलता है जब आपको आईटीसी यूटिलाइज करना हो, तो याद रखना आईजीएसटी का आईटीसी बैलेंस जो होता है आईजीएसटी की टैक्स लाइबिलिटी के लिए पहले यूज होगा, सीजीएसटी का आईटीसी बैलेंस जो है सीजीएसटी की टैक्स लाइबिलिटी के लिए पहले यूज होगा, एसजीएसटी का इसी तरह से आईटीसी बैलेंस जो है एसजीएसटी की टैक्स लाइबिलिटी के लिए पहले यूज होगा। अब मैम सपोज करो यहाँ पे यूटिलाइजेशन करने के बाद अभी भी आईटीसी थोड़ा सा बच गया, तो क्या करोगे, तब आप इसे सीजीएसटी और एसजीएसटी के टैक्स लाइबिलिटी के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है मैम, लेकिन सीजीएसटी का अगर बैलेंस अभी भी बच गया, आईटीसी बैलेंस स्टिल रह गया सीजीएसटी का, तब आप इसे आईजीएसटी के पेमेंट के लिए यूज कर सकते हो, पर कभी भी सीजीएसटी के पेमेंट के लिए। और इसी तरह से सीजीएसटी का बैलेंस बचता है तो आईजीएसटी के पेमेंट के लिए तो यूज कर सकते हो, बट सीजीएसटी के लिए नहीं, मतलब आईजीएसटी का बैलेंस यूज होता है आईजीएसटी के लिए, सीजीएसटी के लिए, एसजीएसटी के लिए, लेकिन सीजीएसटी का बैलेंस यूज होगा मैम आईजीएसटी के लिए और खुद सीजीएसटी के लिए। इसी तरह से मैम एसजीएसटी का बैलेंस यूज होगा आईजीएसटी और एसजीएसटी के लिए, बट मैम सीजीएसटी का बैलेंस कभी भी एसजीएसटी के लिए यूज नहीं होता, और कभी भी एसजीएसटी का जो बैलेंस है वो सीजी
एसजीएसटी का जो बैलेंस है वो कभी भी सीजीएसटी के लिए यूज नहीं होता। इसी बेस के हिसाब से अब देखते हैं मैम, हमारे पास पेबल तो इतना आया लेकिन हमारे पास आईटीसी है 84, 87, 1,85,000। तो ये 84 और 87 सीजीएसटी एसजीएसटी का है, और आईजीएसटी का बैलेंस कितना है 1,85,000। तो ठीक है, आईजीएसटी का बैलेंस कितना है एक बार फिर से देखते हैं, 1,40,000 प्लस दिस। एक सेकेंड, क्या गड़बड़ हुई? ओके ओके ठीक है, इतना है। और टैक्स पेबल कितना है? टैक्स पेबल है मैम 1,44,000 आईजीएसटी का पेमेंट है, 90,90,000 हमें सीजीएसटी का पे करना है, एसजीएसटी का पे करना है। तो पहले तो मैम पेबल लिख लिया, 90,000 पे करना है इनका 1,44,000। अब मैम यहाँ पे अवेलेबल कितना है 84,000, यहाँ अवेलेबल कितना है 87,000, यहाँ अवेलेबल कितना है 1,85,000, दैट इज टोटल आईटीसी दे है। पर प्रॉब्लम है मैम, अब क्या प्रॉब्लम है? हम सबसे पहले ये बोलते हैं कि आप सबसे पहले आंख बंद करके आईजीएसटी के बैलेंस को यूटिलाइज करो। मैम आईजीएसटी में पे इतना करना है बट अवेलेबल 1,85,000, पे करना है कितना 1,85,000 है मेरे पास बट पे सिर्फ 1,44,000 करना है। तो 1,85,000 माइनस 1,44,000, हम अभी भी बैलेंस बच जाएगा यहाँ पे। मैम यहाँ पे अभी भी क्या होगा, बैलेंस बच जाएगा। कितना बच रहा है बैलेंस? तो देखो 41,000 का बैलेंस अभी भी बच रहा है। अब तुम्हारी इच्छा है, तुमको इधर कितना लेके जाना, इतना कितना लेके जाना, वो तुम्हारे ऊपर है। सीजीएसटी के लिए कितना यूटिलाइज करना है, आईजीएसटी के लिए कितना यूटिलाइज करना है, बाकी का तुम यूटिलाइज कर लो। देखो 22,000 प्लस 19,000 कमिंग टू 41 ओनली, वो तुम्हारे ऊपर है। अब मैम पेमेंट करने के लिए कितना बच रहा है सीजीएसटी एसजीएसटी? इतना, क्योंकि आईजीएसटी तो पूरा हो गया। अब ये जो बैलेंस है फुलफिल, ये वाला बैलेंस पूरा यूज करो, इसका 68,000 यूज कर लो, इसका भी 68,000 यूज कर लो, 71,000 सॉरी, क्योंकि जितना पे करना उतना आईटीसी तुम्हारे पास अवेलेबल है, इसका 71 यूज कर लो। तो देखो 84,000 में से जब तुम 68 माइनस करोगे तो 84 माइनस 68,000, 16,000 का बैलेंस। और इसी तरह से 87,000 में से जब तुम 71,000 यूज कर चुके हो तो भी 16,000 बचेगा। तो ये तुम्हारा आईटीसी क्या होगा, अवेलेबल इतना बचेगा, बाकी सब तुम यूटिलाइज कर चुके। इस क्वेश्चन के और अच्छे लेवल के क्वेश्चन सीए फाइनल पे आते हैं, सीए इंटर पे यही बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे बिना देखे लिख के जरूर करना। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आईटीसी के सारे इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन फॉर सीए इंटर लेवल। और अब देखो क्वेश्चन भी दे दिए, बस कोशिश करना अच्छे मार्क्स लेके आ जाना। मैंने फुल फ्लेज रेगुलर क्लास आपको प्रोवाइड कर दी, क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए, मेरी तरफ से जो हो सकता था ना, चाहे व्यूज कम आए चाहे व्यूज ज्यादा आए, कुछ वीडियो में बहुत अच्छा है, कुछ वीडियोस में इतने नहीं आए, इट्स नॉट अबाउट दैट। कहीं पे भी मैंने कॉन्सेप्ट देने में कंजूसी नहीं की है, ठीक है? ऑल द बेस्ट।